सामुदायिक शौचालय में लगा ताला, ग्रामीण बाहर खुले में शौच जाने को मजबूर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गांवों को खुले में शौच से मुक्त एवं गांव को स्वच्छ सुंदर बनाने की दिशा में सरकार ने शहरों की तर्ज पर गांव में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर जोर दिया। सरकार ने सामुदायिक शौचालय के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले में सामुदायिक शौचालय की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। जिले में इनका निर्माण पूरा होने के बाद भी कहीं 6 माह से तो कहीं साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन संबंधित विभागीय की लापरवाही के चलते इनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जिले में बने अधिकांश शौचालयों में ताला लटकता ही आपको दिखाई देगा। ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक शौचालयों का संचालन करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम बात कर रहे हैं जिले के डुमरियागंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बस्तीला मोदी नानकार का है, जहां पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण हुए लगभग 2 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन 2 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी उसमें ताला लटक रहा है। ग्रामीण खुले में शौच करने पर मजबूर है। जब हम इसकी पड़ताल करने पहुंचे तो शौच की कुछ तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो गई। वहीं इसको लेकर जब खुले में शौच कर रहे ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में सामुदायिक शौचालय बने 2 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन इसमें ताला ही लटक रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान इसमें ताला लगा रखे हैं और ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर है। इसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जिला स्तरीय टीम गठित कर दी गई है, जांच कराई जा रही है, रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी, साथ ही सामुदायिक शौचालय को समय पर खोलने और बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। हाँ सर, देखा जा रहा है कि जो है जिले में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन है, कई पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय में ताले लटके हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसमें हमने जिला स्तरीय टीम गठित की गई है, जिला स्तरीय टीमों के द्वारा सारे शौचालयों का सत्यापन कराया गया है। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जो आंगनबाड़ी जो समूह के संचालन के द्वारा किया जा रहा है उन पर और पंचायत सचिव या जिला पंचायत अधिकारी जो है हमारे उन पर कार्रवाई की जाएगी और एक डीपीआरओ के स्तर से ही इसकी जरूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनके माध्यम से फोटो भी मंगाए जा रहे हैं ताकि हम ये सुन कर सकें कि हमारे सभी सामुदायिक शौचालय समय पर सुबह और शाम में बनाए। हाँ चाचा, आपने यहाँ शौचालय बना सामुदायिक शौचालय, ये खुला तुलत नहीं है का? कभी नहीं खुला है, इस पे जो टंकी है उसमें पानी तो शायद कभी जाता हो, बिजली है ही नहीं। कितना दिन हो गया इसको बने? 2 साल से ऊपर हुआ, अभी तक नहीं खुला ना। जितने शौचालय इस गांव में हैं एक भी कार्य काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये तो शौचालय पड़े हुए हैं, ये तो सामुदायिक शौचालय है, पूरे गांव के लिए सरकार ने बनवाया था। हाँ तो ये तो काम ही नहीं कर रहा है, इसकी शिकायत आप लोगों ने कौन कर्मचारी शिकायत कौन करे? जब एक तो अमित सेक्रेटरी है, एक जने बीडीओ है, कहा के नेतागिरी कर रहा था, कहा के नेतागिरी कर रहा था आपके यहाँ का, और कौन प्रधान? प्रधान यहाँ कुल डुबड़ी किया था, जो कह दिया ये लिख लीजिए। चलो, नाम से कौन प्रधान है यहाँ? नाम से यहाँ रामदेव प्रधान है। अच्छा, चला कौन रहा है? चला कौन रहा? अब हम कहा जानी कुल कहा थे डुप्लीकेट। हाँ, आपके यहाँ शौचालय बना लेकिन फिर भी आप बाहर जो है शौच करत रहे हो, तो क्या करें? जब शौचालय बना 2 साल से बना, ताला पड़ा है उसमें, तो बाहर ना करें तो कहाँ करें? रोड पे करें और कहाँ करें? टंकी रखी हुई है उसमें पानी का सप्लाई नहीं लगा हुआ है, खाली दिखावे के लिए रखा हुआ है। तो सरकार तो मना किए ना बाहर शौच? सरकार मना किया तो सरकार आके खुलवाए या तो प्रधान आके खुलवाए, प्रधान ताला मारे है इसमें, मारा पड़ा है तो कहाँ करें? रोड पे ना करें कहाँ करें? बताइए, आप ही बताइए। घर में करें? क्या नाम है आपका? सफीक अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? डीला मोती नानकार। अच्छा, ये बताइए, आप बाहर जो है खुले में शौच कर रहे थे, लैट्रिन यहाँ बनी है, ताला लगा है इसमें, अब जब ताला खुलेगा तभी तो यहाँ करेंगे और कहाँ करें? तो सरकार ने तो रोक लगा रखी है कि बाहर शौच नहीं करना है। अरे तो भैया, इस पे टंकी रखी है ना, उसमें पानी का सप्लाई है, तो फिर कहाँ करें? रोड पे करेंगे और कहाँ करेंगे? जो है आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय बना है, देखा जा रहा है ताला लगा है, क्या मामला है इसका? जी, ये तो 2 साल हो गया बन के, इसको 2 साल से बना हुआ है और ये जब से बना हुआ है तब से ताला लगा हुआ है। ताला आज तक इस पे कौन कार्यरत है, क्या है, कोई सूचना इसकी नहीं है, कभी ताला खुला ही नहीं। गांव से लोग आते हैं, ताला बंद रहता है, कहाँ जाते हैं? रोड पे बैठते हैं। हमारे गांव के रोड के चारों तरफ 500 मीटर में आप कहीं भी देखेंगे वहाँ गंदगी ही गंदगी है। गांव की समस्या ऐसी है कि अब क्या कहा जाए, बहुत ही जर्जर अवस्था है। कोई शिकायत हम लोग करना चाहते हैं, बीडीओ साहब से करते हैं या सेक्रेटरी से करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। यही कहते हैं कि आप लोग नेतागिरी करते हैं गांव में, तो अगर जो
जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना नेतागिरी है, तो जो समझे हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। हम लोग तो आम जनता हैं, आम नागरिक हैं, आवाज उठाएंगे शासन प्रशासन से। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो धांधलेबाजी हो रही है इस पे कार्रवाई करिए, नहीं तो हमारा गांव बहुत पीछे जा रहा है। अच्छा, कितने दिन हो गया बने इस शौचालय को? ये तकरीबन 2 साल हो गया है। ताला कभी नहीं खुला? ताला खुला ही नहीं, हम लोग कभी देखे ही नहीं। गांव के और भी जनता यहां पे मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, यहां पे कभी ताला खुला ही नहीं। पानी की सप्लाई तो दिख रही, लेकिन पानी की सप्लाई दिख रही है, टंकी लगा हुआ है, बाहर से एकदम इसका रौनक बढ़ाया गया है, लेकिन अंदरूनी मामला बहुत ही खराब है। पानी में टंकी में पानी ही नहीं है और बिजली की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है।